मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा कौसा शहर में ट्रैफिक की समस्या एक अहम मसला है जो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आखिर क्या वजह है कि यहां पे ट्रैफिक की समस्याएं लगातार पैदा हो रही है? जिस तरीके से यहां पर जो सिग्नल नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें, स्टाफ की, ट्रैफिक स्टाफ की कमी है, इसी को लेकर MIM के जो ट्रेजर है जावेद सिद्दीकी ने पत्र व्यवहार किया है और उन्होंने मांग की थी कि जल्दी मुमरा कौसा शहर में यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या है उसका समाधान करने के लिए सिग्नल लगाया जाए, स्पीड ब्रेकर लगाए जाए, जेबरा क्रॉसिंग की जाए, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या हो रही है उसमें कुछ कमी आए। इसी को लेकर आज उन्होंने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से पैसों का यहाँ पे गलत इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ उन्होंने बताया कि इस शहर को बिल्कुल देहात बना के रखा गया है और देहात के नाम पे यहाँ पे वसूली की जा रही है। क्या कहा इस पत्रकार परिषद में जावेद सिद्दीकी ने, आइए सुनाते हैं हमारी इस खबर में। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुमरा की अच्छाई के लिए आप जैसे सहाफ़ी लोग हर टाइम पे मौजूद रहते हैं, फिर आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, 2019 में मैंने TMC को एक पत्र दिया था कि मुमरा शहर में ट्रैफिक है, स्कूलें बहुत से हैं, गलियों में ट्रैफिक है, निकलना मुश्किल था। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है सिग्नल और डिवाइडर स्पीड ब्रेकर गतिरोधक की मांग मैंने किया था थाने महानगर पालिका को। तब मुझे थाना महानगर पालिका के कुछ सत्ताधारी के कुल वहाँ जो अधिकारी थे वो मुमरा शहर को गांव बनाने की कोशिश किए थे और ये जो असली काम है जो मुमरा शहर में जिससे बहुत एक्सीडेंट होते थे, बच्चे लोगों की जाने गई, इसके ऊपर कभी इन लोग ध्यान नहीं दिए। तो मैंने जब इस पर काफ़ी दिनों से तकरार करता रहा, उसके बाद TMC ने मुझे एक साल के बाद जवाब दिया कि हमें सिग्नल और गतिरोधक डिवाइडर क्रॉसिंग जेबरा स्कूल की गलियों में ट्रैफिक पुलिस लगाने के लिए जो है वाहतुक विभाग से कोई पत्र नहीं आया है कि मुमरा शहर में ये सिग्नल की ज़रूरत है और डिवाइडर की ज़रूरत है या नहीं, हमको कोई पत्र नहीं आया। हमको एक पत्र दिया गया है, उस न्यूज़ में हमने आपको पत्र भी बताया था। दूसरी बात, फिर हमने ट्रैफिक पुलिस को हमने पत्र दिया तो यहाँ भी सैया भय कोतवाल अब डर का है को, यहाँ के लोग भी वैसे थे, सत्ताधारी से मिले थे, तो इन्होंने जवाब बहुत दिन के बाद, फिर मैंने उसके बाद जो थाने महानगर पालिका आयुक्त से बिपिन शर्मा से मिला और पूरी यहाँ की दास्तां बताया, पेपर भी बताया, और उसके बाद मैं ट्रैफिक वाहतुक विभाग DCP और ACP से जाके स्वयं जो है बात किया और उनको माहिती मांगा कि इस बारे में आपने संज्ञान लिया है क्या कि वहाँ सिग्नल लगना चाहिए, वो शहर है या गांव है। तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि हमने ऑलरेडी पहले दे चुके, जब पुलिस को पास गए तो बोलते हमने दिया है यहाँ के लिए, जब TMC के पास गए तो उन्होंने पत्र दिया कि हमारे को सिग्नल लगाने का कोई जगह का कोई हमको बात नहीं किया गया। फिर हमने उनको जाके पूछा और एक लेटर भी आपके न्यूज़ के माध्यम से हमने महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति को एक पत्र दिया था कि अगर ये जल्दी शहर के अंदर नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। हमारे मजलिस के सदर साहब पठान की आवाज़ और हमारे सभी टीम की जो आवाज़ और जावेद भाई की जो आवाज़, हमने जब आवाज़ किया तो उन्होंने हमें 16/12/2012 को ट्रैफिक पुलिस से हमें एक पत्र दिया गया है कि हमने इनकी मंजूरी के लिए हमने जो है पत्र भेज दिया है। क्या क्या मंजूरी उन्होंने दिया है? शिमला पार्क तालाब पाली अंबर होटल के पास एक सिग्नल लगाने का, कौसा कब्रस्तान TMC कार्यालय के सामने लगाना और तनवर नगर के सामने लगाना, MM बिली का जो रास्ता है वहाँ पे लगाना, ये ऐसे हमें जो है सिग्नल लगाने के लिए उन्होंने ट्रैफिक विभाग ने पत्र दिया कि हमने मांगनी किया है, यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में हमने थाने महानगर पालिका से पूछा तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि हमने भी मांगनी कर दिया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है यहाँ पे सिग्नल और क्रॉसिंग जेबरा डिवाइडर जो आढ़े टेढ़े डिवाइडर है उसकी दुरुस्ती होगी। आप देख सकते हैं ये हमारी आवाज़, मजलिस की आवाज़, सैफ पठान की आवाज़,
जावेद भाई की आवाज़, आप जैसे लोगों सहाफ़ी लोगों की आवाज़ की वजह से आज मुमरा शहर में देखो कलर भी चालू हो गया। वो अधिकारी यहाँ से जाने के बाद शहर का वातावरण भी देखो बदल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये आपको मैं बता दूँ, ये लेटर आप देख सकते हैं 52 जो गतिरोधक जो लगाने की बात हुई, स्पीड ब्रेकर जिसको बोलते हैं प्लास्टिक का, लगाने के बाद वो भी पास हो चुका है। लेकिन कुछ जगह में जैसे अभी नशेमन में लगा दिया गया, दो एक जगह में ओल्ड नशेमन में, तो यहाँ पे ऐसा है संयम है कोतवाल अब डर गाहे को जिसके पास पावर है साहब को बोल के वो नगर सेवक जो है उम्मीदवार हो जाके वहाँ लगा के खड़ा होकर वीडियो फोटी आप देख सकते होंगे। मुमरा शहर में NCP के ही लोग सिर्फ नाला और गटर के ऊपर महफूज हैं, उनमें फ़ोटो, लेकिन जो शहर के लिए, जो शहर की तरक्यात के लिए जो हम आवाज़ उठाते हैं और जब तक हम पूरा नहीं करते हम चुप नहीं बैठते। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जावेद भाई वो शख्स है कि NCP के जो नगर सेवक आज भी थे, अभी तो नहीं है, उन्होंने इस वार्ड से किस तरह से उन्होंने जीता है, जिनके पास कागज़ भी नहीं था उसको भी NCP वालों को जो नगर सेवक बनाया गया, इसमें बहुत बड़ा लेन देन हुआ था। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मुमरा शहर में जिस तरह से यहाँ पे चुनाव जैसे जैसे आता है तो ये सत्ताधारी लोगों को डराने का काम करते हैं। टैक्स का, पानी का, ये सारे नोटिस भिजवाते, यही लोग भिजवाते थे, 5 साल क्यों नहीं भेजते। और जो ये इनके नगर सेवक लोग हैं जो जीत कर आते हैं जनता को, जो उनसे ज़रूरत की चीज़ें के लिए उनको चुन के भेजा, आज तक वो कभी काम करते हैं क्या? आप ही मुझे बताओ नीच के माध्यम से, आप बोलो अगर मैं गलत हूँ। 5 साल ये लोग दिखते क्या? 4 साल ही अपने बिजनेस बंगला गाड़ी बनाते हैं और 1 साल जैसे आता है मार्गदर्शन 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 करके मुमरा शहर को बेहाल कर दिया। इसलिए अब ये बेहाली नहीं होगी और इंशाल्लाह इसकी लड़ाई सैफ पठान और जावेद भाई उनकी टीम जो है लड़ रही है। सिग्नल लगाने का, जिसका क्रॉसिंग का जो है, ये प्रस्ताव पास हुआ है जी, ये 16/12/2022 को ट्रैफिक विभाग ने मंजूरी के लिए लेटर भेज दिया है और म्युनिसिपैलिटी ने भेज दिया है कि हमने परवानगी मांगे, कौन से कॉन्ट्रेक्टर को देना है। अब देखना है कि इनके लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते या TMC खुद करती है, तो उसके लिए हम फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द मुमरा शहर को जो हम खूबसूरती में बदलेंगे। जो आज कभी कभी 2-4 दिन हफ्ते में इतनी ट्रैफिक हो जाती है उसी का सबब है। अगर सिग्नल यहाँ पे लग जाएगा तो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे मौजूद रहेगी, तो स्कूल के लिए बच्चों के लिए आराम रहेगा, लोगों के लिए आराम रहेगा। अभी यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, जब तक सिस्टम नहीं बनाया जाएगा लोग उसमें नहीं समझ में आएगा। कोई बोलता है अरे वो सिग्नल बनने से क्या होगा, अपोजिशन वाले कुछ बोलते, अरे तो फिर गाँव में रहो ना, शहर क्यों बना रहे हो, क्यों बोल रहे हो 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, किधर गए? दलाल हम नहीं है, दलाल आप हैं। आपने कहा है 1000 करोड़ मुमरा शहर में आया, किधर है 1000 करोड़? आप बताओ, खुलासा करो, हमारे ऊपर मानी हानि का दावा ठोको और हम तुम्हारे ऊपर मानी हानि का दावा ठोकेंगे। आपने जो मुमरा शहर के साथ में व्यवहार किया है, सिर्फ चुनाव आते ही तुम काम किया है और जनता को गुमराह करके, और आपके कुछ लोग हर बिल्डिंगों में ऐसे लोगों को पाल के रखे कि उनका आपसे जुड़ा हुआ पैसा बिजनेस है, उनके घर चल रहे, वो उनका नाम नहीं लेगा तो क्या शहर की आबादी और शहर की तरक्की की बात करेंगे? वो कभी नहीं करेंगे। उनका तो घर चल रहा है और चावल दाल आ ही रहा घर में और पैंट शर्ट खड़े होके हर सर्कल में मुमरा में इनके लोग खड़े रहते हैं, बस गलत गलत लोगों को मशवरा देते हैं। उसकी लड़ाई सैफ पठान और मजलिस की पूरी टीम लड़ रही है, इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। अभी आपने बोले कि आड़ा जड़ा डिवाइडर बनाया जाए जी, अभी वहाँ पे सब सिग्नल वगैरह लग जाए तो क्या लगता है ट्रैफिक की समस्या तक खत्म हो जाएगी? देखिए, जब तक कोई सिस्टम नहीं होता कोई चीज़ का तब तक वो चीज़ होगी नहीं। आज थाना में चले जाइए, कलवा में चले जाइए, सिटियों में चले जाइए, हर जगह पुलिस सीटी बजाते हुए खड़ी रहती है। यहाँ जब कोई है ही नहीं है, सिग्नल नहीं है, डिवाइडर नहीं है, कोई सिस्टम से नहीं चलेगा, लोगों को बताओ। ट्रैफिक विभाग के पास स्टाफ ही नहीं, स्टाफ वो हम प्रशासन को मांगनी किया है। देखो अभी इसी तरह आपने स्टाफ की बात किया तो कुछ लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया कि हम लोग जब रात को बम्बई से काम से आते हैं तो 10 बजे के बाद कोई जो है रिक्शा यहाँ जाता नहीं। ये देख सकते हैं आप 5/1/2023 को मैंने
एक पत्र दिया वाहितु विभाग डीसीपी एसीपी का कि 10 बजे के बाद कम से कम खुदा के वास्ते मुमरा शहर की जनता के वास्ते वहाँ पे कम से कम एक ट्रैफिक पुलिस तो लगाओ, ताकि जो मनमानी है रिक्शा वालों की लोगों को ले नहीं रहे, ट्रैफिक की वजह से लोग यहाँ नहीं आते, उनकी भी गलती नहीं है कि रात को जब ट्रैफिक हो जाते हैं लोग यहाँ आते नहीं हैं, वही अमृत नगर में उतार देते हैं, तो उसकी भी समस्या के लिए हमने पत्र दे चुके हैं। और अगर ये 2-4 दिन में वहाँ ट्रैफिक पुलिस रात को नहीं रहती तो मैं खुद आप लोगों को ले जाके उस जगह पे जो बस को इधर इगड़ी तिगड़े कर दिए ना, लोग परेशान है, उसकी भी मैं आवाज़ उठाऊंगा और उसका भी मैं काम करूंगा। ये मंजूरी तो आप बता रहे हैं मिल गई है, तो कितनी कोशिश करेंगे आप तो जल्द से जल्द ये लगाया जाए, स्पीड ब्रेकर हो? देखिए इसीलिए तो यहाँ पे जो एक बैठा था इनका जो आका एनसीपी का, वो आका ही था, लोग बोलते थे मुमरा शहर के लोगों का बहुत से घर चल रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने छेड़े ज़्यादा हो जाए इसलिए नहीं बोलने वाला था, लेकिन अभी मैं बताऊँगा जरूर। इनके आका जो है 2.5 साल मंत्री थे कि नहीं थे, कि उसमें शक था? 4 दिन का जो सरकार इन्होंने बीजेपी में बैठ के घुटुट किए थे, बाद में हट गए, आज वो बीजेपी बीजेपी चिल्ला रहे ये लोग, आज ये बी टीम बता रहे किसी को, तो ये बेबुनियाद बात है। मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ, जो गटर और नाला के ऊपर आज जो बिल्डिंगें पुरानी बता के चालियों को ये बोलते लोगों को घर मिलना चाहिए, तो तुम्हारा काम था कि कोई प्रस्ताव यहाँ पास कर देते, जो बिल्डिंगें पुरानी है उसको तोड़ के लोग जो है घर बनाते, उनको घर मिल जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप अपने लोगों को जो आपके आजू बाजू में टोपी लगा के खड़े रहते, जो गटर और नाला को भी नहीं छोड़ते, वहाँ भी बिल्डिंग 10-10 माला की बना रहे। हमारे गुण से नहीं है, हमारा ये अगर बिल्डिंग बना रहे तो गटर अच्छा होना चाहिए, नाला अच्छा होना चाहिए, रास्ता अच्छा होना चाहिए। तुम तो पूरे शहर की माँ बहन करके रखे हो, पूरे शहर में जो वातावरण तुमने खराब किया है, तुमने ही कहा था जब आपने शायद मंत्री पद लेने के पहले आपने एक वीडियो में कहा था, मैं आपको जितेंद्र अवार्ड जी बड़े अदब से बोल रहा हूँ, आपने कहा था कि अगर कहीं भी इनलीगल तरीके की बिल्डिंग होगा मुझे बताओ, मैं आके खुद तोड़ूंगा। मैं जो है जो एक बिल्डिंग गिरी थी सिलफाटा में, वैसे बनने नहीं दूंगा। फिर आप क्यों चुप बैठे? चुप इसलिए बैठे कि आपको कोई वोट नहीं देगा, आपके कोई उड़ान बुक नहीं छपाएगा, इसलिए आप चुप बैठे हैं। वो बिल्डरों से, वो बिल्डरों से मेरी कोई वो नहीं है, अरे बिल्डरों को जो है सहूलियत देना चाहिए। शासन में तुम थे, कोई स्कीम लेके आते, लेकिन आपने नहीं किए। मुमरा शहर को गाँव बनाना था इसलिए आपने नहीं किया, और इंशाल्लाह हम गाँव नहीं बनने देंगे, और इंशाल्लाह यहाँ पे जो 1,000 करोड़ की बात है वो 1,000 करोड़ भी कहाँ गए, वो निकालेंगे, इनके हाथ डाल के निकालेंगे। ये हमारे शहर का टैक्स का पैसा है, ये जनता का पैसा है।